पुष्कर में एबीवीपी ने लहराया परचम, 55 वोटों से रुद्र प्रताप जीते। एनएसयूआई की हिमलता हारी, बाकी तीनों सीटें एनएसयूआई की झोली में गई है। महासचिव पूर्व में ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसके अलावा दो अन्य कैंडिडेट लिंग दोह समिति के तहत जो एबीवीपी के खड़े थे वो फेल हो जाने के कारण उनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए, तो वो भी दोनों सीटें एनएसयूआई के खाते में गई है। एनएस पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। महासचिव पद के लिए विजय सिंह रावत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा संयुक्त सचिव के लिए पूजा पीन कन्या 6 मतों से जीती है। टोटल वोट 244 और 125 जो है वो कुल मत हुए हैं और 6 वोटों से वह जीती है। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जीतने वालों को, और जो हमारे हैं वो भी निराश नहीं होंगे। अब शपथ लेंगे अपन, और जो बचे नहीं हाँ वो लोग नहीं शपथ ले सकते। मैम इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बताएं, जिनका निरस्त हुआ है उनका ये जाएगा कि भाई केवल सीधा उनका मार्जिन थोड़ी जाएगा, इतने से नहीं उनके उनके वोटों की काउंटिंग भी नहीं मानी जाएगी। नहीं वैसे रिकॉर्ड में मानी जाएगी ना, डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। मोबाइल थोड़ा साइलेंट मोड पर रख दीजिए। प्रत्याशी का नाम और किस पद पर है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए कुल वैध मत जो है वो 245 पड़े हैं, जिसमें से कुल प्राप्त मतों की संख्या 150 और जिससे विजयी रहा वो है रुद्र प्रताप, 55 वोटों से अध्यक्ष पद के लिए विजय हुआ है। उपाध्यक्ष पद पे अरुण सतरवाला विजय हुआ है क्योंकि जीतू पूजन बी ए पार्ट वन में अनुत्तीर्ण रहे हैं और लिंग दो समिति के अनुसार उन्होंने ये लिख के दिया था बच्चों ने कि यदि अनुत्तीर्ण रहेंगे तो उनका वो निरस्त हो जाएगा अपने आप ही। महासचिव पद के लिए विजय सिंह रावत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा संयुक्त सचिव के लिए पूजा पीन कन्या 6 मतों से जीती है। टोटल वोट 244 और 125 जो है वो कुल मत हुए हैं और 6 वोटों से वह जीती है। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जीतने वालों को और जो हमारे हैं वो भी निराश नहीं होंगे। अब शपथ लेंगे अपन, और जी जो बचे नहीं हाँ वो लोग नहीं शपथ ले सकते हैं। मैम इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बताएं, जिनका निरस्त हुआ है उनका ये जाएगा कि भाई केवल सीधा उनका मार्जिन थोड़ी जाएगा, इतने से उनके वोटों की काउंटिंग भी नहीं मानी जाएगी। नहीं रिकॉर्ड में मानी जाएगी ना, डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। एबीजेपी की बोल से हमारे पूरे पार्टी को खुशी की लहर है और हम इसको आगामी चुनाव को देखते हुए अच्छा संकेत मान रहे हैं कि पूरे सब लोग बीजेपी के साथ हैं, एबीवीपी के साथ। ये बताइए कि पहले महासचिव में आपसे बड़ी चूक हुई, आपके पार्टी में जिसने टिकट दिया था उसने विड्रॉल कर लिया एनएसयूआई के पक्ष में, ये कहाँ तक आपकी रणनीति की जीत है? ये इसको हम हार और जीत नहीं मान सकते, ये रणनीति मान सकते हैं कि जो जिसके साथ एबीवीपी अपने हार एबीवीपी अपनी यहाँ निश्चित जीत मान रही थी, इसको एनएसयूआई ने हार समझते हुए इसको एक गेम के रूप में लिया और इसको छल कपड़ से इसको जीत। आज आपके दो जीते हुए कैंडिडेट हार गए तकनीकी रूप से, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम जरूर विचार विमर्श करेंगे।